कक्षा 8 बसंत हिंदी। हिंदी बसंत का आप 11वां पाठ देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के जो राइटर हैं वो हैं प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी जी एक प्रसिद्ध लेखक और अभिनेता हैं, बॉलीवुड में उनका काफ़ी नाम है। उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बॉलीवुड के फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। पाठ के बारे में आप देखिए, पहले जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी जब इससे पहले फिल्में जो होती थी वो गूंगे होती थी, मतलब उनमें चित्री दिखाए जाते थे, आवाज़ नहीं होती थी। तो पहली बार जब सिनेमा ने जो है बोलना सीखा, उसके बारे में इस पार्ट में बताया कि भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 बड़े परिवर्तन का दिन था। इस दिन भारत में बोलती फिल्म की शुरुआत हुई। पहली सहवाग यानी बोलती हुई फिल्म अर्देशीर एम ईरानी ने आलम आरा बनाई, यानी आप कहोगे कि पहली जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बोलती फिल्म बनाई गई उसका नाम था आलम आरा बनाई गई। इस फिल्म के प्रदर्शन के बाद भारतीय सिनेमा नई ऊंचाइयों को छूता गया, यानी एक से बढ़कर एक बोलती हुई फिल्में जो है प्रदर्शित होने लगी। जब ये परिवर्तन और सुधार आज भी जो है लगातार जारी है, इन्हीं परिवर्तनों का रोचक वर्णन इस पाठ के अंदर जो है किया गया है। तो देखो, सबसे जो ये पाठ जो बनाने का जो आया है उसके अंदर ये लेखक जो है ये कहना चाहता है, जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी उसके पोस्टरों पर छापा गया, ये सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, इनकी बोलने बातें करते देखो। पोस्टर पढ़कर बताया जा सकता है कि उस फिल्म में 78 चेहरे थे, मतलब जितने पात्र जो थे वो सब इनके बारे में बताया गया। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी की प्रेरणा 1929 में देखी, एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बेट से मिली। तो आप देखो पार्ट में देखेंगे कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सहवाग बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक का मतलब होता है बिना आवाज़ वाली फिल्में। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया, मतलब एक के बाद एक फिल्में बनने लगी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड को एक बोलती फिल्म शोबेट देखी, यानी 1929 में उन्होंने एक बोलती हुई फिल्म देखी थी शोबोट। देख उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार भी नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी, मतलब फिल्म बनाने की शुरुआत होनी थी बिना गीतकार बिना संगीतकार के, और उन्होंने ये बनाना शुरू किया। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में मैज 3 वाद्य तबला हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आज वर्तमान में तो म्यूजिक अलग स्तर पर है। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहली पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, पहला गाना था ये। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में न शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण
इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी लाइट की, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही। अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब अरबी का उसमें बोलबाला था। फिल्म ने हिंदी उर्दू की मेलवानी हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी हीरोइन, और नायक थे विट्ठल, यानी हीरोइन जुबेदा और हीरो विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले सुपरस्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्टार यानी स्तंभ बने। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, मतलब फिल्म हॉल का नाम था मैजेस्टिक। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कोली फैंटेसी फिल्म स्टार फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सहवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी फिल्म एक फिल्म थी खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सहवाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सहवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि उन्होंने 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने सिक्का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलते थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, परंतु अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा को कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सहवाग दौर की फिल्में में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे, जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन जैसे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी जैसे सुलोचना करती थी। अर्देशित ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम बंगाल में भी पसंद की गई। तो आप कह सकते हो उस समय की जो आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, तो ये सभी जगह इसको पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक
फाल्के को, सहवाग सिनेमा के जनक आदित्य ईरानी को ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग जो शुरू हो गया था। कौन सा युग था ये? सहवाग फिल्मों का, अर्थात बोलती हुई फिल्में जो है बनने लगी थी उस समय। तो आप देखो, ये आपके क्वेश्चन आंसर इस पार्ट के अंदर, पहला जो पार्ट का जो ये आया है, पहला जो जब पहली बार फिल्म बोलती फिल्म प्रचलित हुई, उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे। अभी ये पहले ही आ गया आपके पार्ट के अंदर, कि जब पार्ट के अंदर बताया कि पहली बार बोलती फिल्म प्रचलित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, इनको बोलने बातें करते देखो, पोस्टर पढ़कर पढ़ाया जा सकता है कि उस फिल्म में 78 चेहरे थे। प्रश्न नंबर दो, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दिशित एम ईरानी की प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने आलमारा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया। तो आप ये उसके अंदर अभी पार्ट के अंदर अभी आपने पढ़ा था, तो उत्तर लिखेंगे पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दिशित एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में देखी एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबेट से मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी पहली बोलती फिल्म आलमारा के लिए फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया। इसके आधार पर ही फिल्म की पटकथा तैयार की गई। नाटक के कई गाने जो कि त्यों लिए गए। विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट करो। तो आपको अभी बताया था कि उन्होंने उनको हिंदी, तो देखो आप इसमें उत्तर लिखेंगे, आलमारा फिल्म के लिए नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, पर विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। उनकी इस कमी के कारण उन्हें नायक से हटाकर महबूब को नायक बना दिया। इससे विट्ठल नाराज़ हो गए। उन्होंने अपना पाने के लिए मुकदमा कर दिया, और उस दौर के जो उनका जो मुकदमा था उस दौर के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के संस्थापक थे, ने लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल जीत गए और भारत की पहली सहवाग फिल्म की फिर से नायक बन गए, फिर से उन्हीं को नायक बनाया गया। प्रश्न नंबर चार, पहली सहवाग फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दिशित को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्दिशित ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? देखो उत्तर में आप ये बताएंगे कि आलमारा के मतलब सहवाग फिल्म आलमारा के निर्माता निर्देशक अर्दिशित को 1956 में फिल्म प्रदर्शन में 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता यानी जनक कहा। इस पर अर्दिशित ने विनम्रतावश कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग पर लेखक की टिप्पणी ये थी कि निर्माता निर्देशक बहुत अधिक विनम्र थे। उसके बाद में आप देखोगे पाठ से आगे, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें देह अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृश्य पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपने कल्पना का भी सहयोग लें। तो आप देखो इसमें खोज लो, तो आपको मूक सिनेमा जब सहवाग हुआ बोलने लगा तो उसमें अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए। जैसे अभिनेता की दृष्टि से
अभिनेता की दृष्टि से उसमें काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि सहभाग सिनेमा में संवाद बोलना आवश्यक था। अभिनय और स्टंट करने वाले अभिनेताओं से काम चलने वाला नहीं था। दर्शक की दृष्टि से आप कहोगे कि जहाँ पहले दर्शक केवल अभिनय ही देख पाते थे और पात्रों की शारीरिक हावभाव और शारीरिक भाषा को देख कर ही अनुमान लगा लेते, वहीं अब अभिनय के साथ संवादों का भी आनंद उठा सकते थे। सहभाग फिल्मों का अनुभव और आनंद उनके लिए नितांत अनोखा था। फिर है तकनीकी दृष्टि से। सहभाग पहली फिल्म आलमारा की शूटिंग रात में की गई, इस कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली विकसित हुई जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। इसके अलावा हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा और जनप्रचलित बोलचाल की भाषाओं का प्रचलन भी बढ़ा। दूसरी बात, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों के अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इस फिल्म का फिल्म डब उन फिल्मों को कहते हैं, उत्तर में लिखेंगे कि डब उन फिल्मों को कहते हैं जिनमें अभिनेता अभिनेत्रियां अभिनय तो करते हैं परंतु संवाद नहीं बोलते, उनके स्थान पर कोई और संवाद बोलते हैं। वे संवाद बोलने का अभिनय मात्र करते हैं, उनके द्वारा बोले जाने वाले संवाद किसी अन्य को आवाज़ में डब कर लिए जाते हैं। अब अभिनय और संवाद का संयोजन कर फिल्म को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, उसका कारण अभिनय और संवाद के संयोजन में कमी तथा अन्य तकनीकी कमियां भी हो सकती हैं। अनुमान और कल्पना की भी प्रश्न देख लीजिए। अनुमान और कल्पना, किसी मुख्य सिनेमा के बिना आवाज़ के ठाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो आप जब मुख्य सिनेमा में अभिनय किया जाए तो केवल हाथ पैर चलाकर चेहरे के अभिनय से मुंह के बिना आवाज़ के हंसी का ठाका लगाने का प्रयास किया जाता है। नंबर दूसरा है, मुख्य फिल्में देखने का एक उपाय है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उनकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो निर्देश के अनुसार टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखने से पता चलता है कि संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। बिना संवाद के दृश्य नीरस लगते हैं और अनेक बातें अस्पष्ट रह जाती हैं, स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। सहवाक देखो, से सह लगाने से सहवाक बनाए, तो ये उपसर्ग जो है कौन से शब्दों से बनाए? जैसे हित के आगे आप सह उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा सहित, ठीक है। सह परिवार से पहले सह परिवार, सह विनय, ऐसे बना देंगे आप इसे। मूल शब्द और उपसर्ग, मूल शब्द कौन सा है इसके अंदर? हित, हित के आगे तो उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा सहित। परिवार के अंदर सह परिवार, सह विनय, सचित्र, सबल, सम्मान। वैसे ही लोचन के जोड़ा सुलोचन, सुलोचना, ऐसे बना दो आप उपसर्ग से जोड़ करके। काम ये लास्ट में फिल्म, फिल्मकार, ये प्रत्यय काम या बड़ी जो लास्ट में, तो यहाँ पे हैं प्रत्यय और उपसर्ग। तो उपसर्ग तो वे होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार ही आपका पाठ कंप्लीट हो गया, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। उसके बाद में पाठ के लास्ट में आप शब्दार्थ कर लेंगे। सहभाग फिल्म यानी मूक फिल्म के बाद पार्श्व गायक बनी बोलती फिल्म, तो इसको सहभाग फिल्म का आप सीधा सा है बोलती फिल्म। पटकथा किसको कहते हैं? फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद होते हैं जो बोली जाती बात, फिल्म में की जाने वाली बात। पार्श्व गायक होते हैं पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फॉर्म होता है रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार अभिनेता यानी हीरो। खिताब यानी उपाधि या सम्मान। इस प्रकार ही आपका पाठ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर गाएगा गीत, पाठ चलेगा, जो बाद में गीत गाएंगे, पहले आप केवल पढ़ने के लिए है ये। कंप्यूटर गाएगा गीत, तो इस कंप्यूटर गाएगा गीत को बाद में पढ़ाएंगे आप, पहले आप देख लो, इसी का हिस्सा है ये भी।
कंप्यूटर गाएगा गीत, आप इसको पढ़ लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे और इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। देखो कंप्यूटर गाएगा गीत। फिल्म, हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलमारा 1931 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। बाद में जब यह महसूस किया गया कि हर अभिनेता अभिनेत्री अच्छा गायक भी हो ये जरूरी नहीं, तो पार्श्व गायन की प्रथा शुरू हुई और उससे गायन और भी परिष्कृत हुआ। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुधार हुआ और उसमें भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावनात्मक प्रभाव पैदा होता है। फिल्म संगीत का उद्गम इसी सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीत के वातावरण में हुआ। लोक नाट्य तथा पेशेवर ट्यूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था। चूँकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीज़ें नहीं थी, खुली हुई ऊंची स्पष्ट आवाज़ में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होती थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से आए। ये थिएटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे, लेकिन सिनेमा चूंकि कहीं अधिक यथार्थवादी माध्यम है उससे ये चीज़ नहीं चल सकती थी, अतः जो गायिकाएं फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थी। ये उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों या सालगिरहों पर मुजरे पेश करती थी। इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है। गायिकाएँ जरा नाक में बैठी आवाज़ भी गाती थी, जरा नाक में बैठी गीतों के बोल भी वे जरा बनावटी ढंग से चबाकर अदा करती थी। जल्दी ही गायिकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया। नई शैली का उदाहरण काननबाला का गाया जवाब बना गीत, दुनिया ये दुनिया तूफान मेल था। फिल्म गायन के दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक पिच पर ढालने में सफलता पाई। शमशाद बेगम, सुरैया, नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगल इसमें शामिल थे। सहगल के साथ ही फिल्मी गायन का दूसरा दौर समाप्त हुआ। माइक्रोफोन की उपयुक्त नई आवाज़ें आई। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, अहमद कुमार, मन्नाडे, किशोर कुमार, तलत महमूद सभी मूलतः गायक थे। लता मंगेशकर के साथ गायिकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। उनके कंठ की ताजगी और आकर्षण ने गायकी के प्रतिमानों को ही बदल दिया। इनके अतिरिक्त आशा भोंसले, गीता दास, सुमन कल्याणपुरी आदि गायिकाओं ने अपनी खास शैली विकसित की। भविष्य में क्या होगा? क्या हमारी लोकप्रिय सिनेमा पर गीत अब भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नए उपकरणों के आने के बाद आवाज़ के सुरीलेपन की ज़रूरत उतनी ही नहीं रह जाएगी? और किसे पता किस दिन कंप्यूटर ऐसी आवाज़ बनाकर रख दे जो किसी भी मानवीय आवाज़ से ज़्यादा मुकम्मल हो। ऋतिक घटक, ये आपके इसके जब सिनेमा ने बोलना सीखा ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और जो है आपका जो पार्ट था जब सिनेमा ने बोलना सीखा और कंप्यूटर गायिका गीत, ये तो आपके पढ़ने के लिए है। और इसके बाद में जो है आप इसको, आपको पढ़ा आपने, इसको पढ़ करके आप इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे और प्रश्न उत्तर करने के बाद आप होमवर्क करेंगे तो स्कूल में आके चेक करवा लेंगे। तो आपको ये पार्ट समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जब सिनेमा ने बोलना सीखा।